इसी तरह से जब हम अपने फ्रंट्स में लेग खोलेंगे तो हमें भी। सो हे गाइस, दिस साइड मोहम्मद अनस, कैसे हैं आप सभी? होप से सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, वेल एंड गुड होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप एक मंथ के अंदर, ये तो दो हो गए, एक मंथ के अंदर आप 10 सीसी का बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, वो भी डायरेक्ट से अपने फ्रंट से, और आपका पे आउट जा सकता है 35,000 से 40,000 रुपए अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हैं, और अगर आप सुपरवाइजर लेवल पर हैं तो उसकी तो बात ही छोड़ दो। और ये अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लिए भी है कि आप अपने डायरेक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा टारगेट्स कैसे अचीव कर सकते हैं। तो पॉइंट्स को ज्यादा ध्यान से सुनना, ओके? सो मैं आपके लिए सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट से हम शुरुआत करते हैं। अब हमें करना है अपने डायरेक्ट में ज्यादा बिजनेस, है ना? तो उसके लिए स्ट्रेटजी भी तो चाहिए ना, उसके लिए प्लानिंग भी तो चाहिए ना। क्योंकि देखिए, अगर हमें ज्यादा बिजनेस करना है तो ऐसा तो है नहीं कि बस हम चल देंगे और बिजनेस ऑटोमेटिकली आता चला जाएगा, नहीं ना। सो बेसिकली हमें एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, हमें एक प्लान बनाना होगा। आपने देखा होगा जब एक बिल्डिंग बनती है, यार बिल्डिंग का एग्जाम्पल छोड़ो, मैं आपको एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग का एग्जाम्पल देता हूँ। आपको क्या लगता है, बुर्ज खलीफा बस आया माइंड में ख्याल और बना दी गई होगी कि चलो वही सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाए इसको? अब बिग नो, उसकी एक प्लानिंग हुई थी और वो प्लानिंग बरसों से चल रही थी। पहले माइंड में आइडिया आया कि यार मेरे को ना टॉलेस्ट बिल्डिंग बनानी है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, पेपर पर लिखा, आर्किटेक्चर्स को बुलाया कि इसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, और रेगिस्तान में बिल्डिंग बन रही है तो वो इतनी लंबी कैसे हो जिससे वो टिक जाए, है ना, उसका बेस कैसा हो, फिर उसको पेपर में उतारा, पॉइंट नंबर टू, फिर उसकी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, ओके? इसी तरह से जब हम अपने फ्रंट्स में लेग खोलेंगे तो हमें भी पहले माइंड में लाए, हमारे माइंड में तो आ गया, अब हमें एग्जीक्यूट करना है, हमें अपने पेपर पर लिखना है कि हमें किस तरह की स्ट्रेटजीज अपनानी है जिससे कि हम अपने डायरेक्ट में ज्यादा से ज्यादा लेवल्स अचीव कर पाए। तो पॉइंट नंबर शुरू करते हैं हम। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर फर्स्ट है हमारा, सो हमें करनी है प्लानिंग। अब मान लीजिए न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है मार्च का, ओके? अब मार्च में हमें क्या काम करना है, मान लीजिए 30 दिन का महीना है। अब हमें इन 30 दिनों में क्या करना है, हमें इस महीने को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अब दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर लेना है, मैं आपसे आगे बताऊंगा चलकर, ठीक है? अब पहले पार्ट में हमें 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक करनी है दबाकर इनविटेशन। जब हम इनविटेशंस कर लें, मान लीजिए आपने एक टारगेट अचीव करना है कि मेरे को 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक पर डे में कितनी इन्विटेशंस करनी है, वो भी मैं आपसे बता देता हूँ। आपको ज्यादा नहीं 5 इन्विटेशंस करनी है। कितनी? 5 इन्विटेशंस, ज्यादा नहीं। सो अब हमने एक दिन में 5 इन्विटेशंस कर ली, है ना? अब हमारे पास एक दिन में 5 PPTs आ गई, ओके? उसके बाद ऐसे ही 15 दिन तक चलते जाना है हमें। अब मान लीजिए 5 × 50, है ना? तो हमारे पास लगभग 5 दिन में 25 PPT हो रही है, और 10 दिन में 50 PPT हो रही है, और 5 दिन में फिर 75, ओके? तो हमारे पास 75 persons हैं। अब 15 दिन हो चुके हैं हमारे, ओके? अब इन 75 persons को आपको क्या काम करना है, अगर आपकी कोई टीम नहीं है, आप सिंगल हैं, सब आपके पास लिस्ट आ गई है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको करना है एक दिन में 10 बंदों से बात करनी है आपको, कितनी? 10 बंदों से। और अगर आप सिंगल नहीं है, आप टीम के साथ काम करते हैं, तो आपको सिर्फ 2 बंदों से बात करनी है, और आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है लेवल वाइज, ओके? जो आपके बेस्ट हैं उनको दे दो ज्यादा, ठीक है? जो आपके लगता है कि हाँ आधे आधे हैं उनको 3 से 4 दे दो, ओके? और हाँ, अगर ऐसा भी कर सकते हैं, वो मैं मेथड आगे बताने जा रहा हूँ। लास्ट पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ओके? इसके बिना वर्क नहीं करेगी ये स्ट्रेटजी। तो आपने 75 लोगों की आई थी लीड्स, आपने अगर अकेले करना है तो आपको ऐसे ही करना है, 10 लोगों को एक दिन में अप्रोच करना है, उनको बिजनेस प्लान शेयर करना है आपको, 10 में से 5 आएंगे, ओके? लॉ ऑफ एवरेज निकाल लिया, मान लीजिए आपने 7 से 8 दिन में अपनी सारी क्लोजिंग कर ली है, उसके बाद आपने उनको लेकर भी चल लिए हैं, ठीक है, 5 से 6 दिन। अब आ गई महीने की 26 से 27 तारीख, यानी कि क्लोजिंग डेट्स, ओके? अब इन क्लोजिंग डेज में क्या करना है आपको, 3 से 4 दिन मिलेंगे आपको अपने सीनियर से बैक टू बैक, आपको 5-5 करके मीटिंग्स रखवानी है, ज्यादा नहीं कि भाई आपने 75 को इनवाइट किया था, उसमें से पता है कितने आएंगे, 35 से 30 बंदे आएंगे कुल, ओके? अब इन 35 से 30 बंदों को ना 5-5 कर, 5 से ज्यादा नहीं, कभी आप 35 के 35 ही अपने सीनियर से मिलवा दो,
और वहां पर अगर एक बंदा भी नेगेटिव निकल गया, वो पूरे पैसेज बेकार है आपके, सारी पूरे महीने की मेहनत बेकार है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हम करना है, हमें 5 बंदों को एक बार मीटिंग में लेकर जाना है बस। इसी तरह से आपको अपने सीनियर का एक दिन ले लेना है और फिर देखो आप जलवा। उसमें से 35 में से लगभग अगर 10 भी कन्वर्ट हो गए ना, डैम श्योर मेरी टीम में ऐसा ही हुआ है। मैंने एक को प्लानिंग दी थी और उसने अपनी लेग में ना 10 AS करवाए थे। मैंने तो 5 की बात की है, 10 CC की बात की है, उसने 10 AS करवाए थे अपने डायरेक्ट में, यही स्ट्रेटेजी को यूज करके जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज। ओके, आप ट्राई कर देखना। ओके, अब हमने क्या काम किया, हमारे पास जो है 10 CC का बिजनेस आ गया। ये कितने में से आया, 75 में से हमने प्लान दिखाया था, कितने बचे थे, 35 में से कितने लोगों ने 2 CC किया, 5 से 6 ने, लॉ ऑफ एवरेज। हाँ, आप अगर लकी हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि 35 के 35 2 CC कर ले, हमेशा पॉजिटिव सोचो। ऐसा भी हो सकता है, अगर मान लो अगर 35 के 35 ने 2 CC कर लिया, आपका असिस्टेंट मैनेजर निकल गया, इसका मतलब तो घोड़े ही हैं लंबी रेस के ज्यादातर, है ना। तो इसी तरह से आपको काम करना है। और हाँ, जो मैं नेक्स्ट स्टेप बताने जा रहा था वो ये है, मान लीजिए प्लान बी, अब आप सुन लीजिए मेरा प्लान बी, अगर उन लोगों में से 75 लोगों में से आपके पास कोई भी नहीं आता है तो आप क्या काम करें, सपोज कर लीजिए आपकी कोई टीम है, अभी टीम वालों के लिए है, सोलो वालों के लिए ये था, अभी टीम वालों के लिए है, आपको क्या काम करना है डियर, आपको ना ये टारगेट अपनी टीम में भी दे देना है। तो 75 और 75 जब सबके पास 250 से 300 लीड्स हो जाएंगी, आपको क्या काम करना है, मान लीजिए मैं हूं और मेरी लीड्स ने काम नहीं किया, उन्होंने मेरे को मना कर दिया, अब आप हैं मेरी टीम में, मैं कहने लग गया हूं आपसे कि आपको ना इन लोगों को संभालना है, ओके, ये आ चुके हैं, मेरे को रिजेक्ट कर जा चुके हैं, बट अब आपको इनको ऑफर देना है। आप कहेंगे ठीक है सर, और आप अपनी लीड जो है मेरे को दे देंगे कि सर ये मेरी लीड्स हैं, आप इन पर ट्राई कर लीजिए। तो इसी तरह से मिक्सअप कर देना है, इसकी लीड इसको दे देनी है, इसकी लीड इसको दे देनी है, अपनी टीम में लीड्स को चेंज कर देना है इधर का उधर, ओके। उससे क्या होगा, जब आपका माइंड अलग है, दूसरे बंदे का माइंड अलग है, मान लीजिए आपका माइंड अलग है, मेरा माइंड अलग है, क्या पता वो मेरे से रेडी हो जाए आपसे ना रेडी हो पाए, और जो मेरे पार्टनर थे आपसे रेडी हो जाए मेरे से ना रेडी हो पाए। तो इस तरीके से भी होता है, अक्सर मैंने 95% लोगों को देखा है वो यही मिस्टेक्स कर देते हैं कि अपनी लीड्स बस रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, किसी को नहीं देंगे। भाई टीम में कॉल करवाओ, 7 से 8 लोगों तक ट्रांसफर करते रहो उन लीड्स को। डैम श्योर आपने देखा होगा जब आप लोन लेने जाते हैं या फिर आप रिचार्ज करवाने जाते हैं, आपका इतना तगड़ा फॉलोअप होता है, एक एक महीना दो दो महीना, बायजूस में देख लो यार, बायजूस मैं यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पता है 6-6 महीने तक वो करते हैं वो फॉलोअप कि सर आपने फॉर्म फिल किया था 6 महीने पहले। इस तरह से फॉलोअप करो भाई, फॉलो फॉर्च्यून है, ओके, इन्विटेशन बहुत ईजी है, फॉलो फॉर्च्यून है, ओके। और अगर आप चाहते हो फॉलोअप किस तरह से करते हैं बेस्ट तरीके का, तो आप ये वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, इसमें भी बताया है, इधर आ रही होगी या इधर आ रही होगी, मैंने थंबनेल भी दे दिया इधर, उसको देख सकते हैं आप, ओके। और लास्ट में 2 वीडियोस आएंगी, उनको देखना, उनसे ज्यादा नॉलेज मिलेगी आपको जब ये ट्रेनिंग एंड हो जाएगी ना तब। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपनी, जो मैंने आपसे बताया था टीम वालों के लिए है, आपको मिक्सअप कर लेना है सेल्स को, ठीक है, लीड जो आ रही होंगी आपको मिक्सअप कर लेना है, उसके बाद आप देख सकते हैं रिजल्ट्स कितने अमेजिंग होंगे आपकी। 2 से 3 महीनों के अंदर ना पूरी टीम बदल चुकी होगी, आप कहेंगे यार वाकई में। देखिए ये नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग में ना कोई आता है कोई जाता है, एक बंदा आया तो दूसरा नया आ जाएगा, आपको ऐसा नहीं करना। आप कस्टमर्स देखते हो ना शॉप पर, एक बंदा आता है दूसरा जाता है, ऐसे स्कूल्स में रहता है, 1 साल पढ़ेगा बंदा स्कूल में, शायद उसका मन ना लगे वो दूसरे स्कूल में चला जाता है, है ना। इसी तरीके से कस्टमर आया शॉप पर, उसको आपकी शॉप से नहीं लेना, वो दूसरे की शॉप पर चला जाता है ना। इसी तरीके से आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आया, आपने उसकी परचेजिंग करवा दी, अब वो 3 से 4 महीने आपके साथ काम नहीं करता है, है ना। तो मान लीजिए अब आपको निराश होकर नहीं बैठ जाना कि मेरे तो टीम ही टूट गई, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, बट आपको क्या काम करना है, नेक्स्ट पर फोकस करना है। ये एक जर्नी है, ओके, इसमें आपको नए लोग मिलते रहेंगे, पुराने लोग जाते रहेंगे, नए लोग मिलते रहेंगे, पुराने लोग जाते रहेंगे, इसी तरीके से आपका सर्कल घूमता रहेगा, इसी का नाम नेटवर्किंग है, मैं आपसे बता दूं, ओके। तो आपको ना यही चीज करनी है, आपकी पुरानी टीम जो है, यही एक आपकी पहली टीम जो बनी होगी वो उसके साथ बहुत इमोशंस जुड़े होते हैं, बट वो आपकी पहली टीम जो है ना वो बहुत ही कम लोगों के बच पाती है। तो इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि ये जो है ना ये चलता रहेगा सर्कल, आपकी नई टीम आती रहेगी, फिर लोग जाते रहेंगे, फिर टीम आती रहेगी, फिर लोग जाते रहेंगे, इसी तरह से आप सोरिंग मैनेजर बनेंगे, इसी तरह से आप सफायर मैनेजर बनेंगे। कोई बंदा कभी टिकता ही नहीं है, कि कोई सी भी फील्ड हो आप ले लो, प्रमोशन होते रहते हैं, डिमोशंस होते रहते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जाते रहते हैं आते रहते हैं। तो इसलिए
ये एक जर्नी है, ना कि डेस्टिनेशन के भाई फला जगह जाकर मैं रुक जाऊंगा। तो आपको ये काम करना ही करना है, ओके। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बस कुछ यही पॉइंट है जो मेरे को आपको बताने थे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट।